रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, जितना ये सब नया नया चैप्टर होगा सारे का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जिनका नेटवर्क इश्यू हो, चाहे जो जिसी का किसी भी कारण से नहीं देख पाते हो, उनके लिए यह इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अपना शुरू है कल का चैप्टर पहले और फिर आज का चैप्टर भी खत्म करना है। तो हमने देखा था, तो काफी कंफ्यूजन था, काफी क्वेश्चंस थे आपके। होप मैं सबका आंसर कर पाऊंगा आज, फिर भी नए क्वेश्चंस भी आप रेज कर सकते हैं। कल हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। मैंने कहा था एडजेक्टिव से किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण या अवगुण का पता तो चलता ही है, लेकिन एडजेक्टिव्स का दूसरा भी प्रयोग है, वह है तुलना करने के लिए। तो तुलना, इंग्लिश में तुलना तीन तरह से करते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी, एक आदमी के साथ, दो आदमियों के साथ और दो से अधिक पर्संस के बीच में। एक के साथ जो तुलना होती है उसे तुलना नहीं कहते, और उसके लिए जो होता है एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म उसका प्रयोग करते हैं। दो के लिए जो तुलना होती है उसका एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म होता है कंपेरेटिव फॉर्म, उसे यूज करते हैं। और तीन के लिए हम उसका सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने कहा था कि एडजेक्टिव्स में तुलना भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसका चैप्टर का नाम था कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स तीन तरह से होता है, और तीनों का नाम यहाँ पे है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आप सब इसका स्पेलिंग ध्यान रखेंगे अच्छा से कि स्पेलिंग क्या है, साथ में कंपेरिजन का भी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। क्योंकि कल जो हमने सीडीएस का पेपर देखा था, हम एक भी चीज चूकेंगे नहीं। जहां पे स्पेलिंग ध्यान रखना है, जहां ट्रांसलेशन का एस्पेक्ट है, जहां जो भी एस्पेक्ट है, उसको हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो डिग्री के कंपैरिजन में देखा था तीन होता है, और बता दिया मूलावस्था एक आदमी के लिए होता है, इसको कंपैरिजन नहीं कहते हैं। लेकिन जो उत्तरावस्था होता है, दो आदमियों के बीच होता है, उसमें किसी को बेहतर और किसी को कम बेहतर बताया जाता है, और उत्तमावस्था में बहुत लोगों में से एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। पॉजिटिव डिग्री भी जो था वो बोल दिया, किसी को पूछना हो तो मैं रुक जाऊंगा। कंपेरेटिव डिग्री में हमने देखा था दो के बीच तुलना होती है, जैसे कि विनय का कंप्यूटर और तुम्हारा कंप्यूटर बीच तुलना हुई है, और कहा जा रहा है कि विनय कंप्यूटर बेटर है, तो दो कंप्यूटर्स के बीच में तुलना की गई है। तो इसके लिए तुलना के लिए यहाँ पे बेटर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो डिग्री यहाँ पे आनी चाहिए थी बेटर, उसका सेकेंड फॉर्म बेटर लाया गया है। और यह भी बताया था कि कंपेरेटिव डिग्रीज के पहले, नहीं, डिग्रीज के बाद नॉर्मली THAN दैन का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर है। फिर इसके आगे सुपरलेटिव देखा था हमने। सुपरलेटिव बताया था कि हम दो से अधिक के बीच में तुलना करके बताते हैं कि एक सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है। जैसे कि यहाँ पे दिस इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, यह सबसे अच्छा आदमी है जिनसे मैं अभी तक मिला हूं। तो यहाँ सभी लोगों में सबसे अच्छा बताया जा रहा है, तो बेस्ट लगा हुआ है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले THE शब्द का जो आर्टिकल है का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल के प्रयोग में जब देखेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं, यह भी एक रूल है THE के प्रयोग में। यहां तक किसी कुछ कहना है? मैंने मैंने कल एक यह भी कहा था मैंने कल यह भी कहा था कि हम तो ये जो पढ़ रहे हैं कंपैरिजन एडजेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन सेम कंपैरिजन होता है एडवर्ब्स के लिए भी। तो आप सब ने बोला एक उदाहरण दे दीजिए, तो वो उदाहरण मिल जाएगा आपको जब हम कंपैरिजन, जब हम डिग्री को चेंज करना सीखेंगे। कल कुछ सीखा भी था, और उसमें पहला रूल यहाँ पे है। केस वन यही था कि नॉर्मली क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव होता है सिंपल फॉर्म में उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जो उसके बाद का होता है दो व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए, उसको बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री, और फिर दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री। तो जो नॉर्मली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, अगर उनमें ईयर लगा देते हैं तो बन जाते हैं कंपेरेटिव, और अगर उनमें EST लगा देते हैं तो बन जाते हैं सुपरलेटिव। यह रूल नंबर एक है, और यह रूल नंबर मोस्टली यूज किया जाता है।
उदाहरण आप सबने कल देखा था, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जिसका मतलब बताया जाए। फिर दूसरा था, इसी का ही रूप था कि लास्ट में केवल, अगर लास्ट में अगर ई आ जाता है तो केवल आर लगा देंगे और फिर केवल एस टी लगा देंगे, क्योंकि ई पहले से ही विद्यमान रहता है। और उदाहरण आपके समक्ष थे, यहाँ पे नोबल का मतलब क्या होता है? सभ्य। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। ठीक, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स, इनका प्रयोग। दो नंबर केस कंप्लीट हुआ। तीन नंबर केस में हमने कल देखा था कि अंत में वाई होगा और उसके पहले अगर वोवेल नहीं, उसके पहले अगर कंसोनेंट होगा तो हम उस वाई को बदल देंगे आई में, उस वाई को आई में बदल देंगे और ईयर लगा देंगे। देखिए, आई में बदल दिया वाई को और यहाँ पे ईयर लगा दिया, ऐसे ही आई में बदलकर ईएसटी लगा देंगे। यह रूल नंबर या केस नंबर थर्ड था। अंत में वाई, वाई के पहले अगर कंसोनेंट तो हम लगाएंगे कंपरेटिव में आई ईआर और सुपरलेटिव में आई ईएसटी। आप में से किसी एक का प्रश्न था कि वाई के अंत में, यहाँ तो कंसोनेंट है, वाई के अंत में वोवेल भी तो हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है। अगर आप सबको मिला है तो बताइए, या मुझे मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि अंत में वाई और वाई के पहले कोई वोवेल मुझे नहीं मिल पाया अभी तक। किसी को कुछ कहना है? सारे शब्दों का मतलब आप जानते हैं। मेरी मतलब खुशी मनाना, कल भी लिखा था मैंने, खुशी मनाना इसका हिंदी है। वेल्दी मतलब धनी। तो इस तरह से केस नंबर थ्री कंप्लीट्स। केस नंबर फोर, केस नंबर फोर में हमने कल देखा था कि लास्ट में अगर कंसोनेंट है और उसके पहले अगर वोवेल है तो जो कंसोनेंट है उसे, उसका दो बार उसे लिखेंगे और फिर ईआर लगाएंगे और ईएसटी लगाएंगे। राइट, बिग में यहाँ पे कंसोनेंट है, उसके पहले वोवेल है तो जी दो बार हो जाएगा और फिर ईआर और ईएसटी। इस तरह से यह रूल भी हमने कल किया था। जिनको कुछ बोलना हुआ तुरंत पूछ दीजिएगा। अब इसको यहीं पे हम कल रुक गए थे, तो इसको फिर से देखते हैं। जो लिखा है उसे मत पढ़िए, मैं जो बता दूंगा तो आप जब पढ़ेंगे खुद से तो समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं केस नंबर फाइव। केस नंबर फाइव में एडजेक्टिव जब एक से अधिक सिलेबल का होगा, सिलेबल का मतलब मैंने कल बताया था, सिलेबल की हिंदी होती है उच्चारण खंड, उच्चारण खंड, उच्चारण इसका है सिलेबल। जैसे कि मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं, मैं वर्ड लिख रहा हूं वाइजली, ठीक है, तो वाइजली दो बार पढ़ा हमने तब कंप्लीट हुआ वाइजली। अगर मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं एजुकेटेड, तो यहां पे एजुकेटेड तीन बार में हुआ तो इसको बोलते हैं हम कहेंगे इन सिलेबल का। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल है, यहाँ पे ब्यूटी और फुल, डिफिकल्ट, इन डस ट्रियस, क रे जियस, क्वाई क्वाइटली, इन ट रेस्टिंग। तो जितना पर लाइन खींचा उतना सिलेबल का है। हैंड करचीफ, ये सब जो वर्ड्स हैं मोर देन वन सिलेबल के हैं। तो अभी जितने हमने रूल पढ़े पांच से पहले चार तक का, वो सारे के सारे वन सिलेबल पे थे। अभी और भी रूल आएगा, लेकिन पांच जो चार थे वो वन सिलेबल वाले के थे। जब कोई वर्ड एक से अधिक सिलेबल का होगा तो हम
क्या करेंगे, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर लगा देंगे और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्वाइटली जो स्टम है, क्वाइटली यह एक एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब का उदाहरण हो गया आपके सामने, और भी मिलेगा। क्वाइटली एक एडवर्ब है, जिस भी वर्ड के अंत में एल वाई होता है उसे आप एडवर्ब, यहाँ वाइजली लिखा है, वाइजली भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब होता है सामान्यतः। तो क्वाइटली यहाँ पे मोर क्वाइटली और इधर मोस्ट क्वाइटली, तो इधर एडवर्ब का भी एडजेक्टिव के ही फॉर्म पे बना हुआ है। प्लीज रिज्वाइन। अभी नीचे जो हमने नोट लिया, नहीं दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है, जिनको प्रॉब्लम है प्लीज रिज्वाइन करें। देखिए मैं जो नोट लिखा हूं, नोट में अगर किसी वर्ड के अंत में फूल होगा, चाहे लेस होगा, चाहे आई, नहीं दिख रहा है, आप प्लीज रिज्वाइन करिए। बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है, हाँ आप प्लीज रिज्वाइन करिए। हाँ ठीक है, जिनको आवाज नहीं सुना दे रही है, चाहे नहीं दिख रहा है, नेटवर्क इशू है, तो आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैंने पांच या चार यहाँ पे सर्कल बनाया है, अगर वर्ड के अंत में फूल होगा, चाहे लेस होगा, चाहे आई एन जी होगा, चाहे ईडी होगा, हाँ, तो वह वर्ड सामान्यतः नॉर्मली दो या दो से अधिक सिलेबल का होगा। पहचानने का तरीका, देखिए इधर फूल है, हाँ फूल वाला भी है, आई एन जी वाला भी इधर है, ईडी वाला नहीं लिखा है मैंने, आई एन जी और लेस वाला नहीं लिखा है। दूसरा, तो यह देख रहे हैं केस नंबर पांच, हमने क्या बताया कि दो या दो से अधिक सिलेबल का होगा तो कंपरेटिव बनाएंगे तो आप मोर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगा देंगे। अब मतलब की बात करते हैं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, यह फीमेल के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें हम मोर लगा देंगे अधिक सुंदर के लिए, और उससे सबसे अधिक सुंदर के लगा देंगे मोस्ट। लेकिन हम तो सुंदर कर रहे हैं तो उससे कम सुंदर की भी बात हो सकती है, जब कम की बात होगी तो इसके जगह पे लेस लगा देंगे, और सबसे कम की बात होगी तो यहाँ पे लिस्ट लगाएंगे। तो इसीलिए मैं रूल में लिखा हूं यहाँ पे कि मोर चाहे लेस और मोस्ट चाहे लिस्ट। तो जब गुण की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी तो हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे, जब गुण का उत्तरोत्तर ह्रास होगा तो वहां पे लेस और लिस्ट का प्रयोग करेंगे। किसी को लेस और मोर पे पूछना है, कुछ कहना है? हाँ ठीक है, तो रूल क्या है कि मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, वैसे ही जब गुण की मात्रा कम दिखानी होगी तो लेस और लिस्ट लगाएंगे। लेस और लिस्ट क्यों लगाएंगे, वो लेस और लिस्ट ही क्यों लगाते हैं आपको दिखेगा अभी आगे के स्लाइड में, देखिए दिख जाएगा यहीं पे। यह है केस नंबर सिक्स। केस नंबर सिक्स इरेगुलर है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसका आप स्क्रीन शॉट लिया कि आपने यहाँ तक तो किया था, इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स का। ओके, केस नंबर सिक्स है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, हाँ जिसका नियम नहीं है, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपको इसका स्क्रीनशॉट तो लेना ही लेना है, जब मैं लाल पीला कर दूंगा, और उसके बाद इसको ध्यान भी रखना है। देखिए गुड और वेल, दो गुड है एडजेक्टिव, वेल है एडवर्ब, ये क्या है एडवर्ब है, और गुड एडजेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसका दोनों का कंपैरेटिव होता है बेटर और बेस्ट। आप तो जानते हैं गुड बेटर बेस्ट का एग्जांपल मैंने शुरू में ही शुरू कर दिया था, लेकिन वेल का भी ध्यान रखिएगा, वेल का भी होता है बेटर और बेस्ट, राइट। वेल एक एडवर्ब है, एडवर्ब में पढ़ेंगे कि एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है, थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे, और जब नेक्स्ट लेयर जाएंगे तो एडवर्ब का पोजीशन कहाँ कहाँ, कभी कभी वाक्य में शुरू में ही होता है, कभी कभी वर्ब के पहले होता है, कभी कभी
वर्ब के बाद होता है, कभी कभी एडजेक्टिव के पहले होता है। तो ये सब जो पोजिशंस है एडवर्ब का, एडवर्ब में थोड़ा बहुत जानेंगे अभी और नेक्स्ट लेयर में सब कुछ समझेंगे। तो यह वेल हो गया, एडवर्ब का उदाहरण हो गया। ऐसे ही बैड मतलब बुरा, एबिल मतलब भी बुरा, इल मतलब भी बुरा, इन तीनों का ही होता है कंपैरेटिव ओर्स और सुपरलेटिव ओर्स्ट। पढ़िएगा, लिख रहा हूं इसको ओर्स और इसको ओर्स्ट, ठीक याद रहना चाहिए। जिस तरह से गुड बेटर बेस्ट याद रहता है, वैसे ही बैड एबिल और इल का ओर्स और ओर्स्ट याद रहना चाहिए आप सबको। लिटल का होता है लेस चाहे लेसर, और लिस्ट होता है, इसको बोलते हैं लिस्ट, इसको बोलते हैं लेस चाहे लेसर, ठीक है। मच और मेनी आप जान गए हैं, मेनी क्या है, मेनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और मच है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये सब इन दोनों का ही होता है मोर और फिर मोस्ट। मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव मोर होगा और सुपरलेटिव मोस्ट होगा। लेट मतलब देर, तो इसका कंपैरेटिव दो होता है, एक लेटर और एक लैटर, और सुपरलेटिव होता है लेटेस्ट और लास्ट, ठीक। लेटेस्ट की हिंदी लिख लीजिए, लेटेस्ट की हिंदी होती है नवीनतम, बोलते हैं ना कि लेटेस्ट न्यूज यही है, नवीनतम होती है हिंदी इसकी। तो याद रखेंगे, लेट का भी याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ओल्ड, ओल्ड मतलब जानते हैं आप सब, ओल्ड का ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। हम बताएंगे आज ही कि कब ओल्डर का प्रयोग करते हैं कब एल्डर का, और फिर इसका सुपरलेटिव ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होता है। तो ओल्ड एल्डर, ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट, ये बताएंगे आज ही कि कैसे करते हैं इसका यूज। तो ओल्ड का याद रहेगा ओल्डर और एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। पढ़ रहा हूं, लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं एल्डेस्ट, ठीक है, इसको एल्डर। ये ओल्डर ओल्डेस्ट आपको आता है, मुझे पता है। फार का, फार, फार का होता है फारदर, फारदर, इसका होता है फारदेस्ट, फारदेस्ट, ठीक। फार मतलब दूर, अब अधिक दूर, अधिकतम दूर, जो भी कहिए आप, जैसे भी सबसे अधिक दूर, सबसे अधिक दूर, और फिर दो की तुलना के लिए फारदर हो जाएगा। नाई है एक, इसको पढ़ते हैं नाई, जिसका प्रयोग अब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं हो रहा है, लेकिन मैं लिखा क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट आया है इसलिए लिखा हूँ, तो समझेंगे जरूर। नाई का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन नाई पढ़ते हैं इसको, और इसकी हिंदी है समीप। नायर हो जाएगा और नाइएस्ट हो जाएगा, नाइएस्ट चाहे इसको नेक्स्ट भी बोलते हैं, नेक्स्ट। ऐसे ही है फोर, फोर का प्रयोग तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन यह भी विलुप्त हो रहा है, इसकी हिंदी है सामने। तो फोर का फॉर्मर और फर्दर दो होता है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव होता है फोरमोस्ट, इसको पढ़ते हैं फोरमोस्ट। और फर्स्ट भी होता है और फर्देस्ट भी होता है, देखिए फर्दर है तो यहाँ फर्देस्ट हो जाएगा, डबल टिक मार दिया, ये दोनों एक से संबंधित हो गया। अब यहाँ पे मैं क्यों किया लाया इसको, क्योंकि यहाँ मुझे फर्स्ट बताना था और इधर नेक्स्ट बताना था। जब आर्टिकल का प्रयोग पढ़े थे आप, टीएचई का प्रयोग, तो उसमें शायद आपने पढ़ा था कि इनके पहले हम टीएचई लगाते हैं, नहीं पढ़ा था तो पढ़ेंगे आगे के जो लेयर्स आएंगे, लेवल्स आएंगे, उसमें हम हमेशा ही नेक्स्ट और फर्स्ट के पहले टीएचई का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री का है और फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, और हम जानते हैं कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब अगर सेंटेंस में प्रयुक्त हो रहा है तो उसके पहले टीएचई लगाते हैं, इसीलिए नेक्स्ट के पहले टीएचई लगेगा और फर्स्ट के पहले भी टीएचई लगेगा सामान्यतः। ये ध्यान रखिएगा आप सब, कॉमन एरर्स में बहुत सा प्रश्न आता है इससे, तो आप पूछ लीजिए पहले, इस स्लाइड में कुछ पूछना है तो मुझसे, किसी और को पूछना है, आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत सा प्रश्न आता है इससे। आगे बढ़ते हुए देखिए, आगे जो केस नंबर सेवेंथ है, आप ध्यान देंगे, जो मैं वर्ड्स लिखा हूं ना, पांच और पांच दस, दस वर्ड्स, इसका मतलब और पढ़कर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, इसका अगर कंपैरेटिव बनाना है तो आप ईआर, और सुपरलेटिव बनाना है तो ईएसटी लगा देंगे। ठीक, क्या करेंगे कंपैरेटिव बनाने में इन सब वर्ड्स को, ये तो पॉजिटिव में ही है, कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी लगा देंगे, लेकिन इनको कंपैरेटिव बनाने के लिए आप मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन सारे दस वर्ड्स का जो जनरली यूज होते हैं, वही लिखा है मैंने, दस वर्ड्स का अगर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना है तो पहला रूल, अच्छा है दूसरा रूल, आप कोई भी रूल फॉलो करेंगे, अच्छा है किसी सेंटेंस में किया हुआ है तो आप उस सेंटेंस को गलत नहीं करेंगे, बिकॉज कॉमन एरर्स में आपको एरर ढूंढना होता है, तो कहीं बोर्ड देगा मोर पोलाइट, तब बोलेगा मोर पोलाइट थोड़े होता है, पोलाइटर होता है, ऐसा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज कॉमन एरर्स को बहुत हमें क्लियर करना है। तो यही है केस नंबर सात, पढ़ता हूं सबको। पोलाइट मतलब होता है नम्र, सिंपल मतलब साधारण, जानते हैं, फीबल मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या फीबल की हिंदी क्या होती है? कमजोर। हाँ, वीक इसका सिनोनिम है, फीबल की हिंदी होती है कमजोर। जेंटल का मतलब क्या होता है? भद्र। नैरो मतलब संकीर्ण। क्रूयल मतलब आप जानते हैं निर्दयी, निर्दयी। कॉमन मतलब साधारण। हैंडसम ब्यूटीफुल होता है फेमिनिन जेंडर के लिए, और हैंडसम होता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, बताया था कि एडजेक्टिव यह जो है यह जेंडर भी होता है, उदाहरण में दोनों होता है। प्रेजेंट मतलब आनंददायक, और स्टूपिड मतलब आप जानते हैं। तो इस, हाँ कोई बात नहीं, तो ये जितने दस वर्ड्स हैं इनका आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो तरह से बना सकते हैं, यही मुझे बताना था केस नंबर सात में। किसी को पूछना है इसमें तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, अभी बात हमारी खत्म नहीं हुई, बात हमारी है अभी बहुत बड़ी, अभी हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स। इंपॉर्टेंट मैटर्स में क्या क्या देखेंगे आज हम देखेंगे, याद कर लीजिएगा, सर्कल कर रहा हूं, सुपीरियर इन्फीरियर, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। सीनियर जूनियर एक दूसरे का, बोलिए, हाँ वेरी गुड, कुछ ना कुछ बोलते रहिए कोई कोई, तो मुझे भी मजा आता है। प्रायर की हिंदी बता दीजिए कोई मुझे, प्रायर की हिंदी क्या होती है, कोई भी, जरूरत। प्रायर की मतलब होती है, प्रायोरिटी का मतलब जरूरत होती है, प्रायर की हिंदी होती है पूर्व, अच्छा है इसको बोलते हैं एक और शब्द अग्रिम, इसका उच्चारण है, उच्चारण भी आप पूछेंगे, ठीक है, प्रायर, प्रायर, ठीक है। तो अच्छा, ये सब पढ़ने तो आएगा ना, सुपीरियर इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर तो आएगा, सीनियर जूनियर तो आएगा, इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? हीन। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर होता है बेहतर, हाँ, सुपीरियर का मतलब बेहतर, इन्फीरियर का मतलब हीन। पूछिएगा, और मुझे भी पूछना, कभी मुझे भी नहीं आता है तो मैं पूछूंगा, तो मुझे भी हेल्प करिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैटर्स में हम देख रहे हैं, पांच जो वर्ड्स है ना, इसका अभी हमने उच्चारण और मतलब सीखा है, मेन बात तो हमने देखा ही नहीं। कहा जा रहा है कि ऑलवेज इनका प्रयोग करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, ये जितने पांचों वर्ड्स है ना, इनका पॉजिटिव डिग्री नहीं होता है, इनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। दोबारा बोल रहा हूं, सुपीरियर इन्फीरियर सीनियर जूनियर प्रायर, इन पांचों वर्ड्स का पॉजिटिव डिग्री नहीं होता है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, खाली होता है कॉम्परेटिव डिग्री, नो पॉजिटिव नो सुपरलेटिव।
और आप तो यह भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिविटी का प्रयोग अगर सेंटेंस में करते हैं तो उसके बाद टी एच ए एन दैन का प्रयोग करना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे उससे भी हमें वर्जित करना पड़ता है और यहाँ पे टी एच ए एन की जगह पे लगाना पड़ता है टी ओ। समझ गए होंगे आप बातें मेरी? ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को, क्लास खत्म होने के बाद जब लिखेंगे आप। यहाँ पे सेंटेंस में देखिए सुपरियर टू कर दिया हूँ, जूनियर टू पढ़ देता हूँ। ऑर्गेनिक फूड इज सुपरियर टू प्रोसेस्ड फूड, मतलब कार्बनिक खाद्य बेहतर होता है प्रसंस्कृत, प्रसंस क्या बोलते हैं प्रोसेस्ड का क्या बोलते हैं, प्रसंस्कृत फूड से, खाद्य से। और फिर सोमिया इज जूनियर टू निधि, सोमिया निधि से जूनियर है तो यहाँ पे टू लगा हुआ है और यह कॉम्परेटिव डिग्री में है, दो के बीच देखिए तुलना की गई है ऑर्गेनिक फूड और यहाँ प्रोसेस्ड फूड के बीच में। किसी को इस पॉइंट पे दिक्कत है? जल्दी बोलिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट वी आर गेटिंग लेट टुडे, लेकिन कब कंप्लीट करेंगे इसको, आज नहीं छोड़ेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एक्सटीरियर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जानबूझ का पास में लिखा है। मेजर माइनर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। और अल्टीरियर, ठीक यह है अल्टीरियर। इन पांचों का क्या है, इंटीरियर मतलब आंतरिक, आंतरिक, एक्सटीरियर मतलब बाहरी, हाँ वाह भी बोलेंगे। मेजर माइनर मतलब बड़ा छोटा, जब जानते हैं उच्चारण करने आएगा ना, इंटीरियर, इन टी री ईयर, ठीक, इसको एक्स टी रियर, इसको अल्टी रियर। हर सही दीर्घ ही माइंड मत करेगा, मेरी हिंदी खराब हो गई है। अल्टीरियर की हिंदी होती है गुप्त, हाँ वेरी गुड गुप्त। तो ये जो पांच वर्ड्स हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर मेजर माइनर अल्टीरियर, इन सब का जिस तरह से इसका खाली कंपेरेटिव रूप कर देते ना, इसका खाली हम करते हैं प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में ही, इन जो पांच एडजेक्टिव है ये इनका नहीं होता है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, याद रहेगा, ध्यान रहेगा आप सबको। चलिए, हाँ एग्जाम्पल है, दिस रोड रिक्वायर्स मेजर रिपेयर्स बिफोर इट कैन बी यूज्ड अगेन, तो यहाँ पे मेजर है। हाँ ऐसे ही इधर देखिए, एक्सटीरियर, द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग इज पेंटेड येलो व्हाइल द इंटीरियर इज पेंटेड व्हाइट। तो यहाँ सब देख लीजिए आप, ऐसा नहीं कि इसको भी कॉम्परेटिव समझ लीजिएगा और बोलेगा यहाँ पे भी हम टू लगा देंगे, क्योंकि आई आर इधर भी था ना कंफ्यूज करने के लिए, इधर भी है, इसलिए आपको ये वर्ड्स याद रखने हमेशा, इंटीरियर एक्सटीरियर मेजर माइनर अल्टीरियर सुपरियर इंफीरियर सीनियर जूनियर एंड प्रायर। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वन, लास्ट वन है, हमने क्या कहा था, आपको बताया था कि ओल्ड का कंपरेटिव क्या होता है, ओल्डर और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट। हमने कहा था एल्डर भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है, कहा था ना। इसके अंदर क्या लिखा है छोड़ दीजिए, देखिए जब ओल्ड मतलब कितना, मतलब उम्र का होता है ना, उम्र का बोध होता है इससे, तो ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। जब हम बहुत से आदमी पीपल के बीच में ना हम उम्र की तुलना करते हैं जो दूसरे लोग हैं, पहले उससे पहले मैं एल्डर एल्डेस्ट को बताता हूं तो समझ में आएगा। अगर परिवार के लोगों के बीच में हम तुलना करते हैं, अपने फैमिली के बीच में अपने एज की तुलना करते हैं, तो वहां पे ओल्ड का एल्डर और ओल्ड का एल्डेस्ट का प्रयोग होता है। कब? जब हम उम्र की तुलना करते हैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच, जैसे माई ग्रैंड फादर इज एल्डर टू माई ग्रैंड मदर, यहाँ पे टू रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे दादाजी मेरी दादी जी से बड़े हैं, तो ये परिवार के लोग हैं, इसलिए यहाँ पे ओल्डर नहीं रहेगा एल्डर रहेगा। ऐसे ही इज द एल्डेस्ट पर्सन इन आर फैमिली, तो यहाँ दादाजी के लिए ही आया है, वह
हमारे परिवार में सबसे बड़े आदमी है या बूढ़े आदमी है, तो अपने परिवार के लिए हम जब प्रयोग कर रहे हैं उम्र की बात तुलना कर रहे हैं तो हम एल्डर और एल्डेस्ट लगा रहे हैं। ऐसे ही जब पीपल के लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यही पे लगाएंगे ओल्डर और ओल्डेस्ट इसी अर्थ में। टाइम क्या हुआ 47। बोले पूछना है किसी को? हाँ गया। आप सब नोट्स बनाइएगा, अगर नोट्स बनाएंगे ना तो ऐसा नोट्स कहीं नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम दोबारा जाएंगे तो फिर इसको और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे और किसी भी एग्जाम को निकाल सकेंगे आप। बच्चे कंफर्म करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ इम्पोर्टेंट मैटर्स का मैं किसी को पूछना है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जल्दी बता दिया हूँ लेकिन मैं समझा दिया हूँ मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को अभी बंद कर देते हैं।